नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं बुद्धदेव आज आपसे लोक देवता रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लोक देवता रामदेव जी, दोस्तों रामदेव जी के सबसे पहले उपनामों के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। राम सापीर, राम सा पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर, कृष्ण के अवतार, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, सांप्रदायिक सद्भावना, सद्भावना के देवता, हैजा के देवता, हैजा के देवता, कुष्ठ रोग के देवता, कुष्ठ रोग के देवता, समाज सुधारक, समाज सुधारक। दोस्तों, रामदेव जी को निम्न उपनामों से जाना जाता है। राम सा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण के अवतारक, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, हैजा के देवता, कुष्ठ रोग के देवता और समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि रामदेव जी को जन्म से संबंधित पूरी कहानी। नेत्राम मीणा आज ऊंट पर, नेत्राम मीणा आज ऊंट पर बैठकर रुणेचा को नील गया। छोटी सी ट्रिक है, नेत्राम मीणा आज ऊंट पर बैठकर रुणेचा को नील गया। दोस्तों, नेत से बन गया पत्नी का नाम नेतल दे या कहेंगे निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे इनकी पत्नी का नाम था। तो दोस्तों, नेतल दे निहाल दे अमरकोट पाकिस्तान के दलसिंह सोड़ा की पुत्री थी, दलसिंह सोड़ा की पुत्री थी। राम से बन गया दोस्तों रामदेव जी। मैणा से बन गया माता का नाम मैणा दे। दोस्तों, माता जी का नाम मैणा दे। आज से बन गया पिताजी का नाम दोस्तों अजमाल जी तवर वंशीय राजपूत थे। दोस्तों, ऊंट के बारे में आपसे पूछा जाए, यानी ऊंट से बन गया जन्म, इनका जन्म स्थान दोस्तों उंडू कश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में इनका दोस्तों जन्म हुआ था। और जन्म का जो समय है 1462 विक्रमीय संवत में इनका जन्म हुआ।
इसके बाद में दोस्तों रूढ़ेचा में इन्होंने समाधि ली थी, रूढ़ेचा राम देवरा राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी दोस्तों 1515 विक्रमीय संवत। रूढ़ेचा राम देवरा जैसलमेर में राम सरोवर की पाल पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। दोस्तों यहाँ से नीला रह गया है, इनकी घोड़ी का यदि आपसे नाम पूछा जाए, इनकी घोड़ी का नाम था नीला या लीला घोड़ी का नाम था। प्रतीक चिन्ह आपसे इनका पूछा जाए, प्रतीक चिन्ह तो प्रतीक चिन्ह आप बताएंगे पगल्या या कहेंगे चरण चिन्ह, पगल्या या कहेंगे चरण चिन्ह। इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं, पगल्या दोस्तों पैरों के चिन्ह है या चरण चिन्ह कहेंगे, ये कहे जाते हैं कदम के पेड़ के नीचे या कदम के वृक्ष के नीचे इनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम दोस्तों बालीनाथ, गुरु बालीनाथ का मंदिर मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर, गुरु बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का यदि मंदिर आपसे पूछा जाए मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर, गुरु का मंदिर है मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तो दोस्तों नेत्राम मेड़ा आज ऊंट पर बैठकर रूढ़ेचा को नींद गया। नेत से नेतल दे, नेहल दे पत्नी का नाम, अमरकोट पाकिस्तान के दलै सिंह सोड़ा की पुत्री थी। मैणा दे माताजी का नाम, पिताजी का नाम अजमल जी तवरवंशी है। ऊंट से कुंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में 1462 विक्रमीय संवत में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों रूढ़ेचा से रूढ़ेचा रामदेवरा राम सरोवर की पार पर 1515 विक्रमीय संवत जैसलमेर में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। दोस्तों जन्म की तिथि आपसे यदि पूछ ली जाए कि जन्म किस तिथि में हुआ, तो जन्म हुआ इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीय में, और दोस्तों समाधि ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो ये बात आपको याद रखनी है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से और एकादशी तक दोस्तों इनका क्या चलता है, मेला चलता है, और मेला कहाँ पर रूढ़ेचा रामदेवरा में ही प्रसिद्ध है। घोड़ी नीला या लीला, ये बात आपको रामदेव जी से संबंधित, इनके जीवन से संबंधित याद रखनी है। दोस्तों रामदेव जी के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि इनके माता मेड़ा दे और पिता अजमल जी के काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं थी। तो दोस्तों इनके माता पिताओं के काफ़ी समय बाद गुरु की कृपा से संतान प्राप्त हुई। गुरु ने इनके माता पिता से कहा कि आपके जो एक तो संतान पैदा होगी प्राप्त होगी और एक आपके घर में एक संतान प्रकट होगी। तो दोस्तों इनके बड़े भाई थे जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है और इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो रामदेव जी स्वयं तो प्रकट हुए थे, गुरु ने कहा था कि जैसे ही बड़े पुत्र का जन्म होगा उसके तुरंत बाद में ही छोटा पुत्र प्रकट हो जाएगा। तो रामदेव जी इनको इनके घर में प्रकट हुए, पालने में झूलते हुए दिखाई दिए और घर के अंदर कुमकुम के पैर इनको दिखाई दिए थे। तब इन्होंने देखा कि गुरु की कृपा से हमें दूसरा पुत्र प्राप्त भी हो गया है। तब माता ने देखा कि गुरु के द्वारा जो हमें बताया गया था वैसा ही हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी आप इनसे संबंधित याद रखना, बाकी की चर्चा हम आपसे आगे के वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्णा।